गाइस अभी अभी ही मैंने ये वीडियो को शूट किया, लेकिन वीडियो शूट करने के बाद मैंने जैसे ही ट्विटर को ओपन किया मुझे पता चला कि 22 जुलाई को पोको F3 GT स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला, 23 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है पोको F3 GT स्मार्टफोन। फ्लिपकार्ट पर गलती से ये लिस्ट हो गया था कि 22 जुलाई को पोको F3 GT स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन 23 जुलाई को लॉन्च होने वाला है पोको F3 GT स्मार्टफोन। वीडियो मैंने पहले शूट कर लिया था, इसीलिए मैंने वीडियो में बोला है 22 जुलाई, तो आप वो इग्नोर कर देना, 22 नहीं है, 23 जुलाई है लॉन्च डेट पोको F3 GT स्मार्टफोन की। सो गाइस, पोको ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि पोको F3 GT स्मार्टफोन इंडिया में 22 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों 22 जुलाई को सिर्फ पोको F3 GT स्मार्टफोन ही इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला, पोको F3 GT स्मार्टफोन के साथ OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन भी इंडिया में 22 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। यानी कि इन दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में काफी बड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में 30,000 रुपए की प्राइस रेंज में ही लॉन्च होने वाले है इसीलिए। और दोस्तों ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो ही होने वाला है OnePlus Nord 2 एंड Poco F3 GT स्मार्टफोन के बीच में, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन्स के ज्यादातर फीचर्स ऑफिशियली ही कंफर्म हो चुके हैं और कुछ फीचर्स लीक हो चुके हैं ऑनलाइन। और दोस्तों ये वीडियो के अंदर इन दोनों स्मार्टफोन्स को कंपेयर करके मैं बताने वाला हूं कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए सही रहेगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है ब्रिज और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि पोको F3 GT स्मार्टफोन Redmi K40 गेमिंग स्मार्टफोन का ही रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर इसका पेज लाइव हो गया है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि पोको F3 GT स्मार्टफोन Redmi K40 गेमिंग स्मार्टफोन का ही रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। चलिए अब ये कंपैरिजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कंपेयर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को। पोको F3 GT स्मार्टफोन एंड OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन, दोनों ही स्मार्टफोन में हमें AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है, जहां पर फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन पोको F3 GT स्मार्टफोन में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाता है, जबकि OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन में हमें 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलने वाला है और यहाँ पर 180 हर्ट्ज का ही टच सैंपलिंग रेट मिलने वाला है। यानी कि अगर आप लोग गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो डिस्प्ले वाइज पोको F3 GT स्मार्टफोन आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। बैटरी की बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की, तो बैटरी के मामले में भी पोको F3 GT स्मार्टफोन आगे चला जाता है, क्योंकि बैटरी मिलती है पोको F3 GT स्मार्टफोन में हमें 5065 mAh की, जबकि OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन में हमें सिर्फ 4500 mAh की ही बैटरी मिलने वाली है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर भी मिलने वाला है। OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन में हमें 65W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा एंड पोको F3 GT स्मार्टफोन में हमें 67W का फास्ट चार्जर मिलने वाला है। दोनों स्मार्टफोन्स के परफॉर्मेंस की अब बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में परफॉर्मेंस एक ही जैसी मिलने वाली है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन्स में MediaTek Dimensity 1200 का प्रोसेसर मिलने वाला है। और दोस्तों ये प्रोसेसर MediaTek का फ्लेक्सी प्रोसेसर है, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है। यानी कि ये दोनों स्मार्टफोन्स में परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाएगी और ये दोनों स्मार्टफोन्स बैटरी एफिशिएंट स्मार्टफोन भी होने वाले हैं, यानी कि बैटरी काफी कम ड्रेन होने वाली है इन दोनों स्मार्टफोन्स की। और दोस्तों ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन A70 से काफी इक्विवेलेंट है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में कोई प्रॉब्लम इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में नहीं होगी। डे टू डे टास्क भी काफी इजीली हो जाएंगे और दोनों ही स्मार्टफोन्स में गेमिंग भी काफी अच्छी होने वाली है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप लोग हाई सेटिंग्स में गेम इजीली खेल पाएंगे। गेमिंग के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में नहीं मिलेगा। बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरे के बारे में, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें ट्रिपल रियर कैमरास मिलने वाले है, लेकिन यहाँ पर सेटअप डिफरेंट मिलने वाला है। OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन में हमें 50 megapixel का प्राइमरी सेंसर, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और यहाँ पर हमें 2 megapixel का मोनोक्रोम लेंस भी मिल जाएगा, जबकि पोको F3 GT स्मार्टफोन में हमें 64 megapixel का प्राइमरी सेंसर, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और यहाँ पर हमें 2 megapixel का मैक्रो लेंस मिलने वाला है। OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन में जो प्राइमरी सेंसर है वो सेंसर सोनी का सेंसर है, जो कि है IMX766 और कैमरे के मामले में OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन बेटर होने वाला है पोको F3 GT स्मार्टफोन के कंपेयर में, क्योंकि पोको F3 GT स्मार्टफोन बेसिकली एक गेमिंग स्मार्टफोन है, लेकिन ओवरऑल एक पैकेज स्मार्टफोन है OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन।
स्मार्टफोन। लेकिन आप लोग ऐसा भी मत समझना कि OnePlus Note 2 स्मार्टफोन का कैमरा काफी ही बेहतरीन है, इसका कैमरा अच्छा होने वाला है, पोको F3 GT स्मार्टफोन के कंपेयर में अच्छा होने वाला है। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि इसका कैमरा काफी हाई लेवल का होने वाला है, एक डिसेंट टाइप का ओवरऑल एक अच्छा कैमरा यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और दोस्तों पोको F3 GT स्मार्टफोन के पास दो एडवांटेज भी है, और ये एडवांटेज ये है कि पोको F3 GT स्मार्टफोन में हमें डेडिकेटेड गेमिंग ट्रिगर्स भी मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इस प्राइस रेंज में कोई गेमिंग के लिए ही कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो पोको F3 GT स्मार्टफोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरा एडवांटेज पोको F3 GT स्मार्टफोन के पास ये है कि यहाँ पर हमें मिलने वाले है JBL ट्यून स्पीकर, यानी कि स्पीकर के मामले में भी पोको F3 GT स्मार्टफोन काफी बेटर होने वाला है OnePlus Note 2 स्मार्टफोन के कंपेयर में। OnePlus Note 2 स्मार्टफोन में स्पीकर्स काफी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन पोको F3 GT स्मार्टफोन का स्पीकर और भी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों OnePlus Note 2 के पास भी एक एडवांटेज है, वो ये है कि OnePlus Note 2 स्मार्टफोन में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है, जबकि पोको F3 GT स्मार्टफोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही मिलने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो OnePlus Note 2 स्मार्टफोन की प्राइस दो दिन पहले ही लीक हो गई थी ऑनलाइन। OnePlus Note 2 स्मार्टफोन की ऑनलाइन जो प्राइस लीक हुई थी वो ये है कि OnePlus Note 2 स्मार्टफोन इंडिया में 32,000 रुपीज की प्राइस पर लॉन्च होने वाला है। OnePlus Note 2 स्मार्टफोन के बेस वेरियंट की प्राइस 32,000 रुपीज होने वाली है। और दोस्तों दो दिन पहले ही पोको ने यह कंफर्म किया है कि इंडिया में पोको F3 GT स्मार्टफोन 30,000 से कम की प्राइस पर लॉन्च हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से पोको F3 GT स्मार्टफोन इंडिया में 25-26,000 रुपए की ही प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि चाइना में पोको F3 GT स्मार्टफोन यानी कि Redmi K40 गेमिंग स्मार्टफोन 20-21,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च हुआ था। तो मेरे ख्याल से इंडिया में टैक्स लगने की वजह से थोड़ी प्राइस इंक्रीज भी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से पोको F3 GT स्मार्टफोन इंडिया में 25 या फिर 26,000 रुपए की ही प्राइस रेंज में लॉन्च हो जाएगा। मैक्सिमम अगर पोको F3 GT स्मार्टफोन 27,000 रुपीज की भी प्राइस पर लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक काफी अच्छा स्मार्टफोन कहलाएगा। अगर आप लोग 30,000 से कम की प्राइस पर कोई गेमिंग स्मार्टफोन ही लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से पोको F3 GT स्मार्टफोन आपके लिए एक काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। OnePlus Note 2 स्मार्टफोन भी एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, ओवरऑल पैकेज स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन अगर OnePlus Note 2 स्मार्टफोन इंडिया में 30,000 रुपए की ही प्राइस पर लॉन्च होता है तो ही ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कहलाएगा, क्योंकि 30,000 रुपए प्राइस रेंज में IQ7 भी स्मार्टफोन अवेलेबल है, जहां पर 30,000 रुपए की प्राइस रेंज में काफी अच्छे फीचर्स वहां पर हमें मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 30,000 के अंदर IQ7 बेस्ट रहेगा, और 30,000 से कम की प्राइस पर यानी कि 25-26-27,000 रुपए की प्राइस पर पोको F3 GT स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है। आपका क्या कहना है, कौन सा स्मार्टफोन 30,000 रुपए प्राइस रेंज में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये था मेरा वीडियो पोको F3 GT एंड OnePlus Note 2 स्मार्टफोन के बीच का एक कंपैरिजन वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।